जहाँ पना, सुबह के दरबार का वक्त हो चुका है। खेलिए ना अब्बा जान, खेलिए ना हमारे साथ। शहजादे, इतनी मस्ती मत कीजिए, शाम को हम फिर साथ खेलेंगे, ठीक है? तब तक आप होशियार बच्चों की तरह रहिए। सलाम हुजूर। मंत्री महोदय, उत्तरीय राज्यों की क्या खबर बात है? जहां पना, सब कुछ कुशल मंगल है, सिर्फ वहां के व्यापारियों की एक मांग है। इस साल बारिश कम होने की वजह से उन राज्यों में अकाल पड़ा है, किसान कष्ट में है, इसलिए उन्होंने लगान कम करने की मांग की है। ठीक है, इस बार हम उनका लगान माफ करते हैं, लेकिन ये भी हर जगह बता दो कि किसी ने भी अनाज का काला व्यापार किया और वो पकड़ा गया तो उसे कैद करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर गुनहगार कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसकी गैरत नहीं। ठीक है हुजूर। मंत्री महोदय, हुजूर, बेगम साहिबा महल में आपकी राह देख रही है। हमें अब जाना होगा, लेकिन दरबार में हुई इन बातों का आज ही फरमान निकाला जाए और उस पर अमल किया जाए। तखलिया। बीरबल हमारा सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद सलाहकार है, लेकिन हमें लगता है कि अब उस पर घमंड चढ़ता जा रहा है। नहीं तो उसने भरे दरबार में हम पर हंसकर हमारा अपमान नहीं किया होता। बीरबल, दरबार में तुमने हम पर हंसकर हमारा अपमान किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम अभी के अभी हमारे राज्य से निकल जाओ। फिर यहां आकर अपना मुंह मत दिखाना। अगर तुमने यहां की मिट्टी पर कदम रखने की जरूरत की तो तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाएगी। निकल जाओ यहां से। बीरबल को दरबार से निकालकर अब 10 महीने बीत गए हैं, लेकिन उसकी याद ना आई हो ऐसा हमारा एक भी दिन नहीं गुजरा। अब्बा जान, हमारे साथ खेलिए ना। नहीं बेटा, अब नहीं, अब हम काम कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं अब्बा जान? शहजादे, हम बीरबल के बारे में सोच रहे हैं। मुझे पता है आपके अब्बा जान को बीरबल की बहुत याद आ रही है। अब आप हमारे महल में जाइए, वहां हमने आपके लिए कुछ खास तोहफा रखा है। जहाँ पना, हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि आप बहुत मायूस नजर आते हैं। क्या वजह है इसकी? और मैंने ये भी सुना है कि आपने कुछ महीनों पहले बीरबल को दरबार से निकाल दिया है। जहाँ पना, क्या आप हमें साफ साफ बता सकते हैं? आपने सुना वो सच है बेगम साहिबा, हमने गुस्से में आकर बीरबल को भरे दरबार से निकाल दिया।
लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि उसके बगैर हमारा दरबार कितना सूना सूना हो गया है। दरबार का कोई भी मंत्री बीरबल की बराबरी नहीं कर सकता। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना रुतबा संभाल कर बीरबल को कैसे वापस लाएं। एक काम कीजिए जहांपनाह, आप अपने कुछ खास लोगों को बीरबल के पास भेजिए और उनसे कहलवाइए कि अब आप उनसे खफा नहीं है और वो कभी भी दरबार में वापस आ सकते हैं। ये घोड़ा गाड़ी और हमारे महल में, ये जुर्रत तो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, यानी बीरबल। बीरबल, तुम फिर से आ गए क्या? तुम ये भूल गए कि हमने तुम्हें हमारे राज्य से निकाल दिया है? जहांपनाह, मुझे आपका हर हुक्म याद है और आज भी मैं उस पे अमल कर रहा हूँ। अगर वो तुम्हें याद है तो तुम यहाँ कैसे? और वहाँ की पीली मिट्टी मैंने अपने घोड़ा गाड़ी में भर ली, तब से मैंने आपकी मिट्टी पर पैर भी नहीं रखा। बीरबल ने सच कहा। बीरबल जैसा बुद्धिमान शख्स ही ऐसा सोच सकता है। शाबाश बीरबल, हमने तुम्हें माफ किया। हम तुम्हारी दरबार में राह देखेंगे। जल्द लौट आओ बीरबल, जल्द लौट आओ। जी हुजूर।